अरे वाह उर्मी, कमाल कर दिया तुमने तो। अच्छा है ना दीदी? सबको पसंद तो आएगा ना? अरे काहे नहीं पसंद आएगा, पूरे झांसी में किसी ने ऐसा केक नहीं देखा होगा। बिल्कुल जहाजी केक है जे, तो क्या कहते उसे, धासू? हाँ दीदी, हमारे बेटे का बर्थडे केक है, कुछ तो अलग होना चाहिए था ना। भाभी, आपका सरप्राइज केक रेडी हो गया हो तो क्या मैं देख सकती हूँ? नहीं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? आइए ना दीदी। वाओ, ग्रेट भाभी, अनबिलीवेबल। वैसे ना मुझे पता था आप कुछ अलग ही करेंगी। अब देखिएगा, आज रात की पार्टी में ना सबके मुंह पे ना सिर्फ आप ही का नाम रहने वाला है। हाँ हाँ, आज पार्टी में बस इस केक की तो नुमाइश होनी है, बाकी की सारी तैयारियां गई तेल लेने। काहे माँ जी, बाकी की सारी तैयारियां काहे तेल लेने जाएंगी? अरे तेल लेने तो दामाद जी जा चुके हैं, पूरा किराना ला रहे वो। अरे चुप करो तुम, चप देखो, चपड़ 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 चपड़। ठीक है माँ जी, पहले इधर तो देखिए, देखिए ना, आपने कभी ऐसा केक देखा है का? हाँ तो क्या करें, नाचे हम केक के आगे हैं। बस अपनी वाहवाही का इंतजाम करती रहती हो तुम, हैं? सवेरे से बस एक ही काम में टाइम पास कर रही हो, इतने सारे काम और पड़े हैं, जरा उन्हें भी निपटा लो। माँ जी बस ये काम तो हो ही गया, हम बाकी सब भी कर ही लेते हैं। माँ सब हो जाएगा, आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं? अदिति माँ जी की तो आदत है टेंशन लेने की, टेंशन देने की, इसके बिना इनके पेट का पानी भी नहीं पचता। कंचन, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो तुम। हाँ, और उर्मी जी, आज हमने तुम्हें वो मंदिर जाने के लिए कहा था ना, हमारे पोते को भगवान जी का आशीर्वाद दिलवाने के लाने, तो तुम गई नहीं ना? है तो कब जाओगी, जब सारे मेहमान आ जाए हैं तब। हाँ, और तुम्हें याद है ना आज ताऊ जी आने वाले, देखो जे भी भूल गई हैं। आज सम्राट ने बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम किया है, जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो छोड़ेगा नहीं वो। हाँ, अब फिर तुम रोती रहना और माहौल खराब करती रहना। जैसे सच कहे ना तो हमें लगता है कि सम्राट जो तुम्हारे साथ करता है ना एकदम सही करता है, इसी लायक हो तुम। माँ जा रही है ना भाभी, और ये सब काम भी तो जरूरी था ना। हाँ, आलसी नंबर एक है बस, जबान चलाना जानती है और कुछ नहीं, हाथ नहीं चलते इनके। अब देखो सवेरे से एक ही काम में घिसट रही हैं। माँ जी हम सब जल्दी कर लेंगे, और मंदिर भी बस जा ही रहे। और अकेले मत जाना, शौर्य को साथ लेके जाना। और कहाँ है वहां पोता? हाँ, शौर्य, शौर्य कहाँ है आप? बेटा मुक्ति भैया। हाँ भाभी, जरा शौर्य को देखिए ना, तब तक हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, हम देखते हैं। मेरी कमर आए। अरे अरे अरे, क्या हुआ? आप उठिए मुक्ति भैया, उठिए आराम से। पार्टी कोड़ा पार्टी जय कन्हैया आराम। शौर्य, इससे मजाक नहीं उड़ाते,
आप गिर कैसे गए मुक्ति भैया? भाभी जी, सौरभ बाबू है ना, बहुत शरारती हो गए। इन्होंने धागा बांध दिया और हमें जानबूझ के गिरा दिया। मेरी कमर तो गई। सॉरी बेटा, ये क्या तरीका है? मुक्ति भैया को चोट लग गई है, ऐसा क्यों किया? मैं तो खेल रहा था मम्मा, आप इसको भैया क्यों घेरे? वो तो नौकर है ना। चुप बदतमीज हो, कम से कम आज के दिन तो हमारे पोते को मत डांटो। हाय, बेचारे का बर्थडे है आज। तो क्या हुआ माँ जी? अब देखिए ना, किस तरह की शैतानी कर रहा है ये। अगर इसके तौर तरीके ऐसे ही रहे माँ जी, तो इसे तो बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ेगा। दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है, ये कैसे संभाले इसे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे डांटो मत, नहीं तो मैं आपकी पापा से शिकायत लगाऊंगा। अरे मुक्ति, अरे तुम्हें तो देख के चलना चाहिए था ना, या तुम भी बच्चे हो गए हो? अरे तुम्हारे गिरने के डर की वजह से हमारे पोता तो खेलना छोड़ेगा नहीं ना। अरे बेसुध होके चलते हो हर समय तुम्हारा। क्यों भाई अंधे, मजा आया ना? माँ जी, आपने इसकी बदतमीजी देखी? प्लीज आप इसकी साइड मत लीजिए। हाँ तो का दुश्मन की साइड ले हम का? अपने बच्चे की बात इतनी बुरी लग गई है तुम्हें, है? और पता नहीं कैसी माँ हो तुम, और चाहती का हो, पसंद का है कि शौर्य कैसे बात करे तुम्हारे साथ, जैसे वो रामलीला में राम लक्ष्मण बात करते हैं। ए माते श्री, आज्ञा दीजिए, आपका पुत्र हूँ, आज्ञा दीजिए, यही सब कुछ सुनना चाहती हो का तुम 3-4 साल के बच्चे के मुंह से, है? माँ जी, आप रामलीला भी जानती है? कहाँ बनती थी उसमें, मंथरा या सुपनखा? अरे चुप करो, दांत तोड़ देंगे हम तुम्हारे जो हमारे बारे में ऐसी बात की तो। हाँ आप मेरी दादी को घूर क्यों रहे हो? बेटा ऐसे नहीं बोलते अपनी मम्मी को, नहीं तो तुम्हारी मम्मी ना तुम्हारी दादी की पिटाई करेगी। हाँ माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही है शौर्य के सामने? तो हम अपने पोते के साथ मजाक भी नहीं कर सकते हैं का? अब तुम्हारी तरह से हमें गंभीर बात करना तो आता नहीं है। ओ, हमारे पोते को उसके बर्थडे वाले दिन डांट दिया तुमने। हाँ कुछ नहीं माँ जी, हमने इसे इसलिए डांटा था क्योंकि इसने मुक्ति भैया को गिरा दिया था। अब एक ऑलरेडी गिरे हुए आदमी की वजह से आप मेरे बेटे को डांटेंगी? पापा आजा, मेरे शेर, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे शहजादे, नप पिंदिये। कैसा है मेरा टाइगर आज? तो आज मुक्ति को गिरा दिया आपने? हाँ यही गिराया था। तुम तो बड़े हो गए यार, अभी से लोगों को गिराने तोड़ने लगे हो। हुँ? क्या बात, देखा आपने मेरा बेटा है। शौर्य को नीचे उतारिए ना प्लीज, इसे मंदिर लेकर जाना है, आज इसका जन्मदिन है तो भगवान का आशीर्वाद। कोई जरूरत नहीं है इसे मंदिर लेकर जाने की, इसका भगवान है इसके पास, मैं हूं ना। सही कह रहे हो बेटा, वो गणपति जी है ना, अपने पिता को ही भगवान मानते थे। सिर्फ पिता को नहीं माँ जी, हाँ माता पिता दोनों को। हाँ तो उसके लिए माँ भी तो ढंग की होनी चाहिए ना, ऐसी बेढंगी नहीं। क्यों भाई? हाँ सही कह रहे हो। हाँ तो अब जाओ मंदिर का, शौर्य के कंधे पे बैठे बिना नहीं जा सकती हो का तुम? हाँ सवेरे से कह रहे हैं मंदिर चली जाओ, पर नहीं गई, पर जैसे ही बाप आया है वैसे ही से ले जाने चली है, ताकि 2 घड़ी बाप बेटा एक साथ ना बिता दे।
सब दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। जताना चाहती हैं कि अपने बच्चे की सबसे ज्यादा चिंता इसे ही है। हाँ, अब खड़ी कहो जा। अरे ताऊ जी के आने की तैयारियां हो गई भाई? दिवाकर भैया गए ना लाने के लिए? हाँ बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस सबको समझाना बाकी है उनके बारे में। कहा है कि समझाया नहीं ना तो आज बर्थडे वाले दिन सुनामी भी आ जाएगी। हाँ हाँ, क्या आ जाएगी? सुनामी। सुनामी। हे ईश्वर, हम बेहतर कल के लिए अपने विश्वास को आज तक आप पर कायम रखे हुए हैं। कभी किसी का बुरा तो नहीं चाहा हमने, हमेशा सच का साथ दिया, हर कर्तव्य निभाने की संभव कोशिश की हमने। फिर क्यों भगवान, दिन पर दिन हमारी जिंदगी बदतर क्यों होती जा रही है? सब कहते हैं, हम भी इसी बात को मानते हैं, आखिर में सही और सच की ही जीत होती है, क्योंकि समय जरूर बदलता है। लेकिन हमारा समय कब बदलेगा भगवान, हमारा समय कब बदलेगा? वही चल रहा है जो हमेशा से चलता आ रहा था। खैर, आज हम अपनी शिकायत लेकर नहीं आए थे, पर क्या करें, घाव इतने ज्यादा है कि आह तो निकल ही जाती है। वैसे हम ये सारी बातें सबसे करते भी तो नहीं है। आज हम अपने बेटे और पति के लिए शुभकामनाएं मांगने आए हैं। हे ईश्वर, हमारे पति और हमारे बेटे को लंबी आयु दीजिएगा। और थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए जिससे वो दूसरों की भावनाओं को समझ सके। अकेले लड़ते लड़ते थक चुके हैं हम, अब आपको हमारा सहारा बनना ही होगा। हमारा विश्वास टूट जाए इससे पहले उम्मीद की एक किरण दिखा दीजिए भगवान। आज हमारे बेटे का बर्थडे है, आपको जरूर शामिल होना है। वो हमारा राजा बेटा है और आपके आए बिना बर्थडे नहीं होगा। आप आइएगा जरूर। देखो, जेठ जी के आने के बाद का करना है और का नहीं करना है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बसा लो, नहीं तो तुम सब सीख तो जाओगे लेकिन जेठ जी की लात खाने के बाद। कहा है कि उनके सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। और एक बात और ध्यान से सुन लो, कोई भी बात अगर तुम्हारे दिमाग से निकल गई ना तो हमारे सामने कोई रोने नहीं आवेगा, है? और एक बात, अब हर कोई इस घर में दबे पांव चलेगा। हाँ, लेकिन तेज, धीर नहीं, पैरों की आवाज नहीं आनी चाहिए बस। और कोई भी उनके सामने तन के नहीं खड़ा होगा, नहीं तो 2 मिनट में तोड़ के धनुष बना देंगे। अब पानी तांबे के गिलास में जाएगा, स्टील के नहीं, नहीं तो फेंक के मारेंगे तो खोपड़ी टूट जाए, और कांच के गिलास में तो बिल्कुल ही नहीं। और कमरे में जो है ना कूलर चलेगा, एसी नहीं। और मोंगरे के फूल से उनका स्वागत होना चाहिए। झुमकी तुम सुन लो, बाथरूम में ना सवेरे सवेरे दातून रखना मत भूलना। सारे घर में कहीं म्यूजिक नहीं चलना चाहिए, कहीं नहीं। और जे तुम सब लोगों के मोबाइल है ना,
सब स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट पे डाल दो। क्यों दादी, ताऊजी रावण है क्या? बोलो ना दादी। हाँ बिटिया, जहर की पुड़िया है, रावणी रावण के भी बाप है, तुम तो बच के ही रहना उनसे है। हाँ मंदिरा, ताऊ जी ऋषि दुर्वासा हैं, गुस्सा है तो भस्म कर देंगे। हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पास हमारे प्यारे चाचू हैं ना, आने दो उनको, शांति शांति कहने लगेंगे। कुछ भी बोलती रहती है ना, चुप रहे जरा। वैसे मंदिरा को देखकर तो भाई साहब भी घबरा जाएंगे। हाँ टुईया भर की है लेकिन जबान हाथ भर की है। देखना पापा, ताऊ जी आते ही सबसे पहले इसे की हजामत बनाएंगे। अब तुम सब लोग जाओ, लग जाओ काम पे। आप ज्यादा ना हंसिए, नहीं तो आपकी भी खबर ले लेते हैं वो महान आत्मा। हमारी जिंदगी तो दूभर होवे वाली है अब। हाँ कंचन, हाँ अजय, जे जो बड़ी स्टाइल से अपना पल्ला फर्राती हुई फिर रही हो ना, उनके सामने जरा अपने सर पे ओढ़ लेना, नहीं तो अच्छे से सिखा देंगे वो तुम्हें लाज लिहाज। हाँ अरे माँ जी, हमें याद है, आप पहले अपना देखिए, अब आपको भी सर पे पल्ला लेके ताऊ जी के सामने बकरी की तरह मिमियाते रहना होगा। ठीक कह रही है भाभी, आप अब शेर पे सवा शेर आ रहे हैं। सचमुच बहुत सताया है बड़े पापा ने माँ को। इतने साल में शशि ने यही तो फ्रस्ट्रेशन निकाला है, खुद शेर बनकर औरों को बकरी बनाने की कोशिश करती रही है मुझे छोड़कर। अरे पावर हाउस तो इनका तुम ही हो, तुम्हें कैसे बकरी बना सकती है। और माँ जी इस बार ना आप अपना पल्ला इतना भी आगे मत लेना, वरना उस बार की तरह आप अपने मुंह के बल गिर पड़ोगे। ए चुप करो, कुछ भी बोले जाती हो हैं? ऐसे सच कहे ना तो उनके नाम से हमें डर बहुत लग रहा है। हाय अभी तो आए भी नहीं है, आएंगे तो जाने कहाँ होगा। सबसे आखिरी और जरूरी बात, उनके जूतों का आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा, उन्हें अपने जूते सबसे ज्यादा प्यारे हैं, जरा से भी गंदे हुए तो जीप से चटवा कर साफ करवाएंगे, बता रहा हूं। ओ फिश, चवन्नी की सड़क, डॉलर का जूता, न कुछ बदला है न बदलेगा, इवन डर्टी पीपल आर डिस्ट्रॉइंग दिस कंट्री। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, नॉट इवन गॉड विल सेव। सुनो, प्रशांत
लड्डू है। मेरे जूते कहाँ गए? Where are my shoes? Hey you! ये जूते ना आपके बाबूजी? ये जूते यहाँ कैसे आ गए? Give me the answer. जूते कैसे आए वहाँ पे? वो जो मैडम जा रही है ना? उनकी चप्पल नहीं मिल रही थी तो वो ढूंढते हुए आपके जूते इस तरफ फेंक दिए।